मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सॉल्व करते पढ़ेंगे क्लास थर्ड यूनिट 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड द इनॉर्मस टर्निप। बच्चों इनॉर्मस क्या होता है? लार्ज, बड़ा। टर्निप होता है हमारा शलजम, ठीक है बच्चों। खाने का एक जो ये आता है वेजिटेबल, आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए स्टोरी हम पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड। बहुत पहले का टाइम था, एक बार एक बूढ़े आदमी ने एक टर्निप का सम टर्निप के शलजम के सीड्स उसने उगाए। द टर्निप सीड्स ग्रू, टर्निप का सीड उग गया। द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू, वो पड़ता गया उगता गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेट द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने क्या बोला कि मुझे बड़े शलजम को निकालना चाहिए। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, वो उसको निकालने की कोशिश करता रहा, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उसे निकाल ना सका। एंड ओल्ड मैन वूमेन केम, बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेट द ओल्ड मैन, उसने उस औरत से बोला कि मुझे ये टर्निप बाहर निकालना है। आई विल हेल्प यू सेट द ओल्ड वूमेन, ओल्ड वूमेन बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड, वो दोनों खींचने लगे, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन उनसे वो नहीं निकला। अ बॉय केम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेट द ओल्ड वुमेन, आई विल हेल्प यू सेट द बॉय। बच्चों एक लड़का वहाँ आया, उन दोनों ने ओल्ड वुमेन और मैन ने बोला कि हमें ये इनॉर्मस ये बड़ा शलजम बाहर निकालना है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? लड़का बोलता है येस आई विल हेल्प यू। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, बच्चों अब तीनों ओल्ड मैन वुमेन एंड बॉय तीनों उसको बाहर निकाल रहे थे, बट दे कुड नॉट पुल्ड अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। अ गर्ल केम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेट द बॉय, आई विल हेल्प यू सेट द गर्ल। अ गर्ल, एक लड़की आती है, उनसे वो कहते हैं कि भाई हमें ये टर्निप बाहर निकालना है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? लड़की बोलती है कि यस मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड अप केम द इनॉर्मस टर्निप, बच्चों जब चारों मिलकर उसे खींचने लगे तो वो बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल, बच्चों ओल्ड वुमेन बॉय और गर्ल बोलती है कि हम तुम्हारी इसको खाने में भी मदद करेंगे, और उन्होंने ये करा, ठीक है स्टूडेंट। अब सभी को समझ में आया कि किस तरह उन्होंने एक लार्ज टर्निप को कैसे बाहर निकाला सबने मिलके। चलिए देखिए यहाँ पे हमने न्यू वर्ड्स जो देखे, इनॉर्मस मीन लार्ज, टर्निप है बच्चों हमारा शलजम, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन मीन्स बूढ़ी औरत, एंड पुल्ड मीन्स खींचना, ठीक है। चलिए अभी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, ओल्ड द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप एज इट वॉज इनॉर्मस, वो बहुत लार्ज था, इस वजह से वो उस अकेले ओल्ड मैन से नहीं निकल पा रहा था। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, किस किस ने बच्चों उसकी मदद की? द ओल्ड वुमैन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। हु एट द इनॉर्मस टर्निप, बच्चों किस किस ने खाया? तो यहाँ लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेम एंड ड्रॉ फोर वेजिटेबल दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट,
आपको ऐसे फोर वेजिटेबल्स की यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना है और यहाँ उनके नाम लिखना है जो कि हम ज़मीन से निकालते हैं। कौन कौन से होते हैं? पटैटो, जिसे हम आलू बोलते हैं, कैरेट, जिसे हम गाजर बोलते हैं, ठीक है, बीटरूट, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। आप सभी इसका यहाँ पे पिक्चर भी बनाएंगे और नेम भी लिखेंगे। और रेडिश, जिसे हम मूली बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी वेजिटेबल कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्किल अराउंड ईच वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ पे वेजिटेबल्स के नेम ढूंढने हैं। पोटैटो हमें मिल चुका है, देखिए, टर्निप, बीन्स, पीज, बीन्स, पीज, टर्निप, कैरेट, ओके, एंड टोमेटो। सभी को मिल चुके हैं बच्चों सारे। नेक्स्ट देखिए, द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप से वन वर्ड एंड द सेकंड ग्रुप से द अपोजिट वर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए आप सभी को यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, पुल, पुश, ब्लैक, वाइट, ट्रू, फॉल्स, राइट, रॉन्ग, फार, नियर, गुड, बैड, डार्क, लाइट, अप, डाउन एंड ओल्ड, यंग। ओके स्टूडेंट, सभी को आ रहा है समझ में? अब देखिए बच्चों, आपको एक प्लांट उगाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? अ ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा। देखिए बच्चों, आपको एक प्लांट उगाना है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, ग्लास में आपको पेपर रखना है, प्लेस द सैंड इन द ग्लास, उसमें मिट्टी डालनी है, फिर उसे मिट्टी को गीली करनी है, प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास। बच्चों, पेपर और ग्लास के बीच में हमें सीड्स डालने हैं, सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और देखना है कि सीड्स एक दूसरे के साथ ना हो, वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, देखते हैं किस तरह से सीड ग्रो करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल, रॉ और कुक्ड। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि आपको किस तरह से ये वेजिटेबल्स खानी अच्छी लगती है। कैरेट आप कैसे खाते हैं, रॉ एंड कुक्ड बोथ। टर्निप, देखिए स्टूडेंट्स, टर्निप, पोटैटो एंड बीन्स, ओके, इसे हम कुक्ड करके खाते हैं, बाकी कैरेट, अनियन एंड बीन्स को हम रॉ खाते हैं, ठीक है। नेम फोर वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हेयर। बच्चों, ऐसे फोर वेजिटेबल्स के आपको नेम लिखने हैं जो आपने लास्ट वीक खाए थे। देखिए, स्पिनच, पालक, कैबेज, फूलगोभी, जैक फ्रूट, शलजम, कटहल एंड लेडी फिंगर, भिंडी। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट है हमारा, कंप्लीट दिस कॉलम वन एंड मैनी। बच्चों, एक और बहुत सारे, कैरेट, कैरेट्स, टर्निप, टर्निप्स, अनियन, अनियंस, पोटैटो, पोटैटोज एंड टोमेटो, टमेटोज। ओके स्टूडेंट्स, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्किल द ऑड वन। हमें सर्किल करना है ऑड वन को। देखिए स्टूडेंट, टर्निप, पोटैटो, टमेटो, सनफ्लावर। बच्चों, सनफ्लावर हमारा फ्लावर है और सब हमारी वेजिटेबल्स, काउ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कंगारू, मेलन।
बच्चों ये सब हमारे एनिमल्स है और मेलन हमारा क्या है, फ्रूट। बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। बच्चों देखिए ये सब हमारे ट्रीज हैं और स्नेक हमारा एनिमल है। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर हमारे वेजिटेबल और बाकी सब हमारे फ्रूट फ्लावर्स हैं। पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुड स्पैकर। बच्चों देखिए लिजर्ड हमारा वर्टिब्रेट इंसेक्ट है और ये सब हमारे बर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया किस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज को यहाँ सॉल्व किए? बच्चों आप सभी हमारे वीडियोस को देखिए, चैप्टर को समझिए, ओके, और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।